नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी IPL का सीजन चल रहा है, तो इसीलिए आज हम IPL के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि IPL टीम्स अपना रेवेन्यू कैसे कमाती है, वह प्रॉफिट कमाती है कि नहीं, और अगर प्रॉफिट कमाती है तो कितना प्रॉफिट कमाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों में क्रिकेट के प्रति यह क्रेजीनेस को देखते हुए ललित मोदी ने IPL का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों, अगर आप IPL के मॉडल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह मॉडल यूरोपीय कंट्री में जो फुटबॉल लीग होती है उनसे इंस्पायर होकर बनाया गया है। IPL को शुरू करने के बाद IPL को पॉपुलर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। IPL के पहले सीजन से ही IPL काफ़ी पॉपुलर बन गया। तो आइए देखते हैं कि IPL टीम्स पैसा कहाँ से कमाती हैं। मीडिया राइट्स IPL टीम्स का मेन रेवेन्यू सोर्स है। जो चैनल IPL को ब्रॉडकास्ट करना चाहती है उसे IPL का मीडिया राइट्स लेना होता है, और IPL के मीडिया राइट्स लेने के लिए उन्हें BCCI को कुछ फी पे करनी होती है। मीडिया राइट्स से BCCI को जो भी पैसा मिलता है उसमें से कुछ पैसा BCCI अपने पास रख कर बाकी पैसा IPL टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो मीडिया राइट्स IPL टीम्स का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। IPL टीम्स का 60-70% रेवेन्यू मीडिया राइट्स से आता है। 2008 से 2017 इन 10 सालों के पीरियड में IPL के मीडिया राइट्स सोनी इंटरटेनमेंट के पास थे, जो कि उन्होंने 4,200 करोड़ रुपए में खरीदे थे। तो 10 साल के लिए सोनी ने IPL के मीडिया राइट्स के लिए 4,200 करोड़ रुपए पे किए थे, यानी एक साल का हुआ 420 करोड़। वहीं 2018 से 2022 इन 5 सालों के लिए IPL के मीडिया राइट्स स्टार इंडिया ने खरीदे हैं। उन्होंने इन 5 सालों के लिए मीडिया राइट्स 16,347 करोड़ में खरीदे हैं, यानी IPL के एक साल के मीडिया राइट्स के लिए स्टार इंडिया 3,259 करोड़ रुपए पे कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि 2017 तक IPL के मीडिया राइट्स से IPL को सालाना 420 करोड़ रुपए मिल रहे थे, जो कि अब 2018 से 3,259 करोड़ हो गए हैं। यानी IPL के मीडिया राइट्स से मिलने वाला पैसा 4 गुना बढ़ गया है। मीडिया राइट्स से मिलने वाला पैसा के 4 गुना बढ़ जाने की वजह से सारी IPL टीम्स प्रॉफिटेबल बन गई हैं। IPL टीम्स का अगला रेवेन्यू सोर्स है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। ब्रांड स्पॉन्सरशिप से IPL टीम्स अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो कि मुंबई इंडियंस को सैमसंग, जियो, कलर्स और कई ब्रांड्स से स्पॉन्सरशिप मिली है। सिमिलरली, चेन्नई सुपर किंग को मिथुन फाइनेंस, गल्फ, इंडिया सीमेंट और कई ब्रांड्स से स्पॉन्सरशिप मिली है। टाइटल स्पॉन्सरशिप से IPL टीम्स को अच्छा खासा पैसा मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, पहले लिखा आता था DLF IPL, फिर पेप्सी IPL, फिर उसके बाद वीवो IPL और अभी चल रहा है ड्रीम 11 IPL। इस टाइटल स्पॉन्सरशिप से मिला हुआ कुछ पैसा BCCI अपने पास रखती है और बाकी पैसा IPL टीम्स को बांट देती है। IPL टीम्स का अगला रेवेन्यू सोर्स है टिकट सेल्स। IPL टीम्स के होम ग्राउंड पर जो भी मैचेज होते हैं उनके टिकट सेल्स से मिला हुआ पैसा IPL टीम को मिलता है। टिकट सेल्स से मिले हुए पैसों में से कुछ हिस्सा उन्हें उस ग्राउंड के क्रिकेट एसोसिएशन को देना होता है। जैसे अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है, जिसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन मैनेज करती है। तो मुंबई इंडियंस को टिकट सेल से जो भी पैसा मिलता है उसमें से कुछ पैसा उन्हें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को देना होता है। IPL टीम्स का अगला रेवेन्यू सोर्स है मर्चेंडाइज सेल्स। IPL टीम्स अपना जर्सी, कैप एटसेट्रा इन्हें बेचकर भी पैसा कमाती है और प्लेयर्स की ट्रेडिंग से भी पैसा कमाती है। कई बार प्लेयर्स एक IPL टीम से दूसरे IPL टीम को बेचे जाते हैं,
तो अगर उस आईपीएल टीम ने उसे कम दाम में खरीदा था और उसे ज़्यादा दाम में बेच रही है तो उसे ऐसे डील से फ़ायदा मिलेगा। आईपीएल टीम्स का अगला रेवेन्यू सोर्स है प्राइज मनी। आईपीएल के विनर और रनर अप को प्राइज मिलता है। 2019 में आईपीएल विनर का प्राइज मनी 20 करोड़ था और रनर अप का प्राइज मनी 12.5 करोड़ था। जो टीम आईपीएल की विनर होती है उसे प्राइज मनी से मिला हुआ कुछ पैसा अपने प्लेयर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अभी बीसीसीआई के नए नियम के अनुसार आईपीएल टीम्स के ओनर्स को प्राइज मनी का 50% हिस्सा अपने प्लेयर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये थे आईपीएल टीम्स के मेन रेवेन्यू सोर्सेस। इसके अलावा भी वह कई सारी जगहों से छोटा मोटा रेवेन्यू कमाते हैं, जैसे लोकल स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट, बैनर्स एट्सेट्रा। अगर अब आईपीएल टीम्स की एक्सपेंसेस की बात की जाए तो उन्हें अपने टोटल रेवेन्यू का 20% हिस्सा बीसीसीआई के साथ शेयर करना होता है, तो ये उनका सबसे बड़ा एक्सपेंस है। उसके बाद उन्होंने खरीदे हुए प्लेयर्स के फी पे करनी होती है, सपोर्ट स्टाफ और कोचेज की सैलरी पे करनी होती है। आप देखते हो कि आईपीएल मैचेज अलग अलग जगहों पर होती है, तो फ्लाइट्स की बुकिंग, होटल्स की बुकिंग, इन जैसे खर्चे भी इन्हें करनी होती है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे और ऑपरेशनल कॉस्ट भी उनके एक्सपेंसेस में आती है। आईपीएल टीम्स खुद भी अपने एडवर्टाइजमेंट करती है ताकि उनके ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए और फैंस के साथ वो अच्छे से कनेक्ट हो पाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी आईपीएल टीम्स अपने अपने गाने लाती है। तो ये सारी आईपीएल टीम्स के मेन एक्सपेंसेस हैं। आईपीएल टीम के एक्सपेंसेस यूजुअली 140 से 180 करोड़ रहती है, जो कि आने वाले टाइम में बढ़ भी सकती है। दोस्तों, अगर बात करें तो आईपीएल से अगर किसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो हुआ है बीसीसीआई। आईपीएल की वजह से बीसीसीआई का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आज बीसीसीआई वर्ल्ड में एक अच्छी जगह पर पहुँच गई है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे ही फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।